भारत आजाद तो था पर विभाजित भी। एक नया मुल्क पाकिस्तान जन्म ले चुका था और इस नई ताकत पर सवार पाकिस्तान की नजर अब रणनीतिक रूप से संसाधन पूर्ण कश्मीर की खाड़ी पर थी। पर यह इतना आसान नहीं था। घुसपैठियों को भेज दहशत और तबाही मचाकर कश्मीर को डराने की पाकिस्तान की योजना उस वक्त पूरी तरह विफल हो गई जब महाराजा हरि सिंह ने भारत की और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारत ने वादा किया कि वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ कश्मीर का बचाव करेगा। 27 अक्टूबर सुबह 9:30 पर पाकिस्तानी नेतृत्व में लुटेरों की फौज श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जब पहला डकोटा विमान भारत की पहली सिख रेजिमेंट की 2 सैन्य इकाइयों के साथ श्रीनगर उतरा और इनका नेतृत्व कर रहे थे एक जाबाज योद्धा कर्नल दीवान रंजीत राय। भारतीय जवानों का मुख्य लक्ष्य इन पाकिस्तानी लुटेरों के श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जे को रोकना था। 28 अक्टूबर की सुबह लुटेरे और सिख रेजिमेंट के सिपाही आमने सामने थे। ये लड़ाई दिल दहला देने वाली थी पर सिखों ने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी शहादत देकर उन्हें सौंपी हुई जिम्मेदारी निभाई और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।